जो कि सांप्रदायिकता से जिंदगी भर लड़ते रहे। आज मेरे राय में कि देश में सबसे बड़ी चुनौती इस सांप्रदायिकता और फांसीवाद की चुनौती मेरे राय में इस देश के और समाज के अस्तित्व की चुनौती। जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो जो मोदी जी की जो कैंपेन थी वो इस आधार पर नहीं थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनके कैंपेन के आधार थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम बड़ी तेजी से हिंदुस्तान में विकास करेंगे, विकास की नीतियां चलाएं जिससे कि हर नागरिक को नौकरी मिलेगी, खुशहाली होगी वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ क्या? भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जो संस्थान हिंदुस्तान में बने थे, लोकपाल का कानून बना, कोई लोकपाल अपॉइंट नहीं किया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक बहुत अहम संस्थान है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें 2 पोस्ट 1.5 साल तक खाली रखी गई। जब कोर्ट का दबाव पड़ा तो उसमें 2 बहुत ही भ्रष्ट अफसरों को अपॉइंट कर दिया गया। काला धन वापस नहीं आया, बल्कि जिनके पास काला धन था उनको ये छूट दे दी गई कि तुम 30% टैक्स दे दो और तुम्हारे काले धन को सफेद कर दिया जाएगा, और अगर वो पैसा तुमने भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया है या कोई भी और अपराध करके इकट्ठा किया है तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। तो भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई मानसिकता इस सरकार में नहीं थी। दूसरा था उनका विकास। अगर आप देखें कि क्या कुछ लोगों को और नौकरी मिली, कितने लोगों को और नौकरी मिली, तो ये देखा जाएगा कि नौकरी तो हार्डली किसी को मिली। उल्टा मनरेगा को खत्म करने की पूरी कोशिश, जितने भी कांग्रेस के समय में सोशली प्रोग्रेसिव कानून बने थे उनको खत्म करने की कोशिश, जो नया भूमि अधिग्रहण कानून बना था उसको खत्म करने की कोशिश, फॉरेस्ट राइट एक्ट को खत्म करने की कोशिश, यानी कि गरीब आदमियों को जितनी कुछ कुछ राहत कांग्रेस के सरकार में दी गई थी। कांग्रेस के सरकार में भ्रष्टाचार बहुत था, लेकिन गरीबों के लिए, खासकर जो सोनिया गांधी ने जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी जिसने कई अच्छे अच्छे लोगों को दिया था, उसकी वजह से गरीबों के हक में कई कानून अच्छे अच्छे उस समय बनाए गए। लेकिन उन सब को खत्म करने की कोशिश मोदी सरकार ने करी और आज तक वो कोशिश जारी है। लेकिन जो दूसरा काम जो मोदी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया, वो सबसे खतरनाक, जो सांप्रदायिकता फैलाने का, नफरत फैलाने का, समाज में सांप्रदायिक आधार पर जहर घोलने का, दंगे भड़काने का, मोदी जी खुद नहीं करते, खुद उसके बारे में बोलते भी नहीं, लेकिन संघ परिवार के उनके पार्टी के एमपी एमएलए ये काम रोज खुलेआम छाती ठोक कर करते हैं और मोदी जी उनको रोकते भी नहीं। इससे ये साफ जाहिर है ये सब जो जहर घोलने का काम, नफरत फैलाने का काम जो जगह जगह चल रहा है, कभी लफ्ज
धीरे-धीरे बन रहा है सोशल मीडिया के द्वारा इसका और तरह तरह से मुसलमान तो हिंदू और से जाते बढ़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती उनसे शादी करवा लेते हैं कि मुसलमान लोग गाय को मार के गाय का मांस खा रहे हैं उस पर लोगों को उस पर अफवाह फैला फैला कर जैसे मोहम्मद अखलाक को मार दिया इस तरह से जगह जगह लोगों को मार देते हैं पीट देते हैं और ये कहते हैं अब एक नई चीज शुरू करिए कॉमन सिविल कोड तो होना चाहिए अच्छी चीज लेकिन भाजपा कॉमन सिविल कोड इसलिए होना चाहिए क्योंकि समानता होनी चाहिए कॉमन सिविल कोड का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू सिविल कोड है लेकिन भाजपा जिस तरह से इस बात को उठाती है उसका मतलब यही निकलेगा जिस तरह के जने को इन्होंने लॉ कमीशन में बैठा रखा है एक और ही ड्रग जज को लॉ कमीशन का चेयरमैन बना दिया है उनसे अब कह रहे हैं कि अब आप रिपोर्ट दीजिए इस पर कॉमन सिविल कोड पर और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो रिपोर्ट देंगे वो उसी टाइप की होगी कि भाई कॉमन सिविल कोड को होना चाहिए जो हिंदू सिविल कोड हिंदू सिविल कोड में भी बहुत सारी खामियां जिनको बदलने की जरूरत है इसी तरह से मुस्लिम सिविल कोड में भी कई खामियां हैं जिसको बदलने की जरूरत है इसलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में बनना चाहिए लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो हिंदू सिविल कोड बनेगा लेकिन जिस तरह से भाजपा इस मुद्दे को उठाती है उसका मकसद यही होता है कि मुसलमानों को ये डराओ कि भाई हम हिंदू सिविल कोड तुम्हारे ऊपर तोड़ दें और दूसरा ये अफवाह फैलाना कि भाई जहां जहां आतंकवाद होता है सिर्फ मुसलमान लोग करते हैं जबकि इतने सारे केस हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के पकड़े गए कम से कम 5 मक्का मस्जिद अजमेर दरगाह मालेगांव 1 मालेगांव 2 समझौता एक्सप्रेस जिसमें कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के टेररिस्ट इन्वॉल्व थे लेकिन उन सब को धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बदलती जाती है एनआईए को ले आए एनआईए में अपने लोग लगा दिए उनसे बोला कि भाई डील दे दो प्रोसिक्यूटर अपना बना दिया रोहिणी सालियान को हटा दिया उनसे बोला डील दे दो और न्यायपालिका के ऊपर भी पूरा जोर लगाकर ये कोशिश करी जा रही है कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के टेररिस्ट केसेस हैं उनको सबको छोड़ दिया जाए उनको बरी कर दिया जाए और दूसरी तरफ ये अफवाह बार बार फैलाई जाती है कि भाई सारे टेररिस्ट मुस्लिम होते हैं और उसके साथ साथ ये इस तरह की मानसिकता फैलाने की कोशिश करी जाती है जैसे कि मुसलमान आतंकवादी होता और इसके साथ दंगे भड़काने की पूरी कोशिश जहां जहां कर सकते हैं खासकर जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश करी जाती है आप देख रहे हैं कि यूपी में 2014 के चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काए गए आज फिर से यूपी में यूपी के चुनाव के पहले पूरी कोशिश करी जा रही है जगह जगह और उसके साथ शिक्षा का भगवा कर सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि जितने शिक्षा के अहम संस्थान हैं एनसीईआरटी है जो कि स्कूल एजुकेशन देखता है उसका करिकुलम देखता है यूजीसी है जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन देखता है और जितने इस तरह के इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च देखता है उन सब जगह अपने आरएसएस के लोगों को बैठा और इसी वजह से ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जिनको कोई उसका आता पता नहीं है कोई ज्ञान नहीं है कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है बस ये है कि
बदलो और अभी हरियाणा ने गुजरात में दो सरकारों ने तो अनाउंस कर दिया है कि हम दीनानाथ बत्रा की किताबें अपने स्कूलों में इंट्रोड्यूस करेंगे। दीनानाथ बत्रा वो साहब हैं जिनको एजुकेशन का कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो अपनी किताबों के थ्रू शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं, तरह तरह के अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई प्राचीन हिंदुस्तान में तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली थी। जैसे मोदी जी ने जब रिलायंस का अस्पताल इनॉग्रेट किया था बम्बई में, तो वहां पर बोला था कि प्राचीन भारत में तो हमने मेडिकल साइंस में बड़ी तरक्की कर ली थी, क्योंकि गणेश जी की सूंड जो है प्लास्टिक सर्जरी से लगाई गई। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैलाने का काम इन किताबों के थ्रू और साथ में मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जहर बोलने का काम इन किताबों के थ्रू करा जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज एक बड़ा सेक्शन मीडिया का इनका साथ दे रहा है। उसमें से कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इनकी बदौलत राज्यसभा में पहुंचे, जैसे वो एक चैनल है इंडिया टीवी, उसका जो ओनर है वो भी पहुंच गया है या पहुंचने वाला है। दूसरा सुभाष चंद्रा जी न्यूज वाला, और पूरी तरह से वो भाजपा के चैनल बन गए। आज इसी तरह से ये टाइम्स नाउ इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, जी न्यूज पूरी तरह से जहर खोलने का काम कर रहे हैं। समाज सिक्योरिटी नहीं होगी, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा सबका तभी है
होगा। जिस तरह से बायोडायवर्सिटी किसी समाज के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता है, उसी तरह से कल्चरल डायवर्सिटी, रिलीजियस डायवर्सिटी एक समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है, क्योंकि हम हर कम्युनिटी से कुछ कुछ सीख सकते हैं। हर कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे सीखा जा सकता है। सवाल ये है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे आपको ईसा ने बताया, कई लेवल पर हमको लड़ना पड़ेगा। पहले तो झूठी अफवाह जो फैलाई जा रही है, झूठा प्रोपोगेंडा जो किया जा रहा है, इसको विफल करना पड़ेगा। उसके लिए हमको सही बात बतानी होगी और सही बात लोगों के पास पहुंचानी होगी, और उसको उस सही बात को पहुंचाने के लिए, झूठी बात को काटने के लिए हमारे पास अच्छे तरीके होने चाहिए, हमारा सोशल मीडिया अच्छा होना चाहिए, हमारी टीम चारों तरफ फैली होनी चाहिए जो लोगों को ये बता सके। इसका एक बड़ा तरीका ये है जो मैं बार बार कहता हूँ कि हम हर शहर में एक अमन समिति बनाए, जिसमें कि हर संप्रदाय के कुछ बहुत ही गणमान्य लोग जो सोबर हैं, सेक्युलर हैं, सोबर, सेक्युलर और रिस्पेक्टेड, अपनी अपनी कम्युनिटी में उनकी बहुत रिस्पेक्ट इज्जत होनी चाहिए, सोबर होना चाहिए उनको, सेक्युलर होना चाहिए, उसकी एक हम समिति बनाए और उनको ये दायित्व दें, उनके साथ हम कुछ यंग लोगों की टीम लगाए, उनको ये दायित्व दें कि जब भी झूठी अफवाहें फैलाई जाए आप तुरंत उसको काउंटर करिए और बताइए कि झूठी अफवाह है, उनकी बात सुनी जाएगी, पूरी कम्युनिटी में सुनी जाएगी। और संगठनों के बारे में जो सांप्रदायिक संगठन है, इनको एक्सपोज करिए कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, कितनी झूठी अफवाह फैला रहे हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा जो ये भटवाकरण, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भटवाकरण हो रहा है, जो इस तरह के निकम्मे और सांप्रदायिक लोगों को, आरएसएस के लोगों को जगह जगह बैठाया जा रहा है, इनको भी एक्सपोज करना, इनके खिलाफ कोर्ट में लड़ना, ये भी हमको करना पड़ेगा। और अगर जहाँ जहाँ करिकुलम बदलने की, दीनानाथ बत्रा की किताबें, टेक्स्ट बुक्स स्कूल वगैरह में इंट्रोड्यूस करी जा रही है, उसको भी हम लोगों को कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा, सड़क पर भी लड़ना पड़ेगा। आरएसएस का क्या कैरेक्टर है, क्या हिस्ट्री है, इसको हम लोगों को जाकर बताना पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं, इनका क्या इतिहास है, इन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में क्या रोल प्ले किया, वगैरह वगैरह। और हर पार्टी के, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह के कम्युनल लोगों को नामजद आइडेंटिफाई कर करके बोलना पड़ेगा कि भाई ये लोग, जैसे ये अर्णब गोस्वामी है जिस पर इसका जहर बोलता है, इसी तरह से जी न्यूज के लोग हैं, इंडिया न्यूज, इंडिया टीवी वगैरह के, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर करके हम लोगों को बोलना पड़ेगा और कैंपेन चलानी पड़ेगी कि भाई इन लोगों को बॉयकॉट करिए, ये लोग समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को सिटीजन, बहुत सारे लोगों को एंगेज करने की जरूरत है। अगर देखिए आरएसएस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका, दुर्भाग्य की बात यह है कि आरएसएस शायद देश का सबसे बड़ा संगठन है, और वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप वगैरह के द्वारा इस तरह का जहर फैलाते हैं। इसलिए हम लोगों को भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। हम लोगों को, बहुत सारे सिटीजन्स को जो ये मानते हैं, जो ये समझते हैं कि भाई ये सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा खतरा इस देश में बनता जा रहा है, पूरे विश्व में बनता जा रहा है, सबको घर से निकल कर कुछ कुछ करना पड़ेगा, और यही बहुत बड़ी चुनौती है। ये इसी के लिए ये कन्वेंशन बुलाया गया।
दोस्तों आज का उद्घाटन सत्र अपनी पूरा होने की